मिनी ट्रैक्टर रेस। एक गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहा करता था। चिंटू काफी बुद्धिमान था लेकिन काफी शरारती भी, जिस कारण उसे हमेशा डांट पड़ती। एक बार की बात है, टीचर स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बांट रही होती है, तभी चिंटू ये लो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड, गुड, अच्छे मार्क्स आए हैं, पेरेंट्स से साइन करवा लेना। ओके मैडम। फिर चिंटू रिपोर्ट कार्ड को घर ले जाता है और अपनी मम्मी पापा को दिखाता है। पापा देखो, अब मैं आपके कहे मुताबिक अच्छे नंबर्स लाया हूँ, अब आप भी अपना प्रॉमिस पूरा करो पापा। कैसा प्रॉमिस? ट्रैक्टर वाला प्रॉमिस। मुझे तो कोई प्रॉमिस याद नहीं है, तुम्हें याद है क्या सुमित्रा? क्यों जी, क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो? एक मिनट। तभी चिंटू मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया वीडियो अपने पिता को दिखाता है, जिसमें उन्होंने चिंटू को लेटेस्ट मिनी ट्रैक्टर दिलाने का प्रॉमिस किया होता है। पापा ये आप ही हो ना? हाँ मेरे बाप, मैं शेर तो तू सवा शेर, मान गया मैं तुझे। फिर चिंटू के पापा अपने कहे मुताबिक चिंटू को मिनी ट्रैक्टर दिलाते हैं, जिसे लेकर चिंटू बड़ा खुश होता है और सारा दिन बस उस मिनी ट्रैक्टर को लेकर खेलता ही रहता है और किसी को भी उसे छूने नहीं देता। अरे ओ रॉकी, क्यों मेरे ट्रैक्टर को छू रहा है तू? कितना कीमती है तुझे मालूम भी है? चल भाग जाए यहाँ से। इस तरह वो अपने दोस्तों को भी ट्रैक्टर को हाथ नहीं लगाने देता और डांट डांट के भगा देता है। ऐसे ही एक दिन सुबह जब चिंटू नींद से जाकर बाहर आता है तो देखता है कि उसका जो ट्रैक्टर है वो अपने आप ही चल रहा है। अरे ये क्या अजूबा है, कौन चला रहा है इसे? अरे कोई रोको मेरे ट्रैक्टर को। तभी चिंटू ट्रैक्टर के पीछे भागता है और कूद कर उस पे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक लिलीपुट उस ट्रैक्टर को चला रहा था और वो चिंटू को देखकर घबरा जाता है। कौन हो तुम और मेरे ट्रैक्टर को चोरी क्यों कर रहे हो पिद्दी इंसान? आई एम लिलीपुट जैकी। चोर, तुम्हें तो मैं पुलिस से गिरफ्तार करवाऊंगा। ओ नहीं नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना, माफ करो यार, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। वैसे तुम इतने छोटे कैसे, कहाँ से हो तुम? मैं लिलीपुट राज्य के राजा का बेटा हूँ, हमारा राज्य बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, अन्य लिलीपुट राज्यों ने मिलकर हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है और हमारे बहुत प्रयास करने के बाद वो राज्य छोड़ने के लिए माने हैं, लेकिन उन्होंने मिनी ट्रैक्टर रेस कॉम्पिटिशन रखा है जिसमें उनकी शर्त ये है कि अगर हमारे राज्य का राजकुमार यानी मैं उस रेस में जीत गया तो राज्य फिर से हमारा, वरना हम अन्य राज्य के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि हमारे राज्य के सारे ट्रैक्टर उन लोगों ने तोड़ दिए हैं, इसलिए मैं इसे चुरा रहा था। बहुत दुख भरी कहानी है दोस्त, पर तुम इतने बड़े ट्रैक्टर से रेस नहीं जीत सकते, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर चिंटू जैकी लिलीपुट के साथ जाता है और उसे एक सुपरफास्ट मिनी ट्रैक्टर बना कर देता है, जिससे जैकी रेस में भाग लेता है और बाकियों के मुकाबले वो अच्छी परफॉर्मेंस करके मिनी ट्रैक्टर रेस जीत जाता है, जिसके बाद अन्य लिलीपुट राज्य वालों को जैकी और उसके राज्य वाले धक्का मारकर लिलीपुट राज्य से बाहर निकाल देते हैं। चिंटू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मैं जैकी का फादर, इस राज्य का राजा हूँ, जो कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिया, ये लो हमारी तरफ से तुम्हें इनाम। ये कहकर लिलीपुट राज्य का राजा चिंटू को दो बक्सा सोना पैसा उपहार के तौर पर देता है और सभी चिंटू का धन्यवाद अदा करते हैं, जिसके बाद चिंटू खुशी खुशी घर वापस आ जाता है।